वो और नजर रखते। अच्छा, जितनी दायां थी उस जमाने में उनको हुक्म दे दिया गया कि जहां जहां पता लगे कि औरत हामला है नजर रखो, अगर लड़की पैदा हो छोड़ दो और अगर लड़का पैदा हो तो कत्ल कर दो। अब जनाब वो चला, अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए कि ये चलता रहा सिलसिला। और तकरीबन साबका किताबों में आता है कि 70,000 बनू इसराइल का बच्चा जो था वो कत्ल कर दिया करवा, 70,000। क्यों? मेरा इकतदार महफूज है। लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह के फैसले से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह के जो फैसले हैं फैसले होते हैं। एक दफा पुराने दौर की बात है, हमारे मुल्क में ये आपके मनसूबाबंदी के जो है ना जी, अपना औरतों के बच्चों का रोकना ये करना, उसको मनसूबाबंदी का नाम दिया है। मनसूबा ये बनाते हैं फिर उसको, यानी उसकी अहमियत है कि बच्चे बस दो बच्चे पता नहीं क्या कहते हैं, खुशहाल वजीब अजीब नारे हैं, अजीब अजीब चीजें हैं बाहर। तो एक मौलवी साहब थे हमारे, हजरत हजाली रहमतुल्लाह अलैह, उनको अय्यूब खान ने बुला के पूछा, कहने लगा कि मौलाना ये जो मनसूबा बंदी है इससे बच्चे रोकना, क्योंकि आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और जब आबादी बढ़ जाएगी साफ बात है कि वसाइल कम होंगे, खाने वाले ज्यादा होंगे तो कैद होगा, तो इसके लिए हल निकाला गया है कि बच्चों को रोका जाए। जरा आप मुझे ये बताएं कि शरीयत में इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने फरमाया कि शरीयत का मसला तो खान साहब आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिरौन 70,000 बंदे पे गोली चला के नहीं रोक सका तो तुम गोलियां खिला के क्या रोको? उन्होंने कहा तुम तो गोलियां खिलाते हो, उन्होंने गोलियां चलाई तो जिसने आना था उसको वो न रोक सका, तो तुम भी फिक्र ना करो, जिसने आना है वो आएगा, तुम्हारी गोलियों से वो भी नहीं रुकता। अच्छा, खुदा की शान है उनके एक वजीर थे, सबसे पहले मनसूबा बंदी पे उन्होंने अमल किया, नतीजा ये निकला कि अल्लाह की रहमत से दूसरे साल उसके घर में दो बच्चे इकट्ठे पैदा। असल वजह ये है कि बहरहाल आपके डॉक्टर हो गए, अब आपको दिखाना तो ऐसे ना जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो, उसमें वो दवाएं जो होती है ना जी, वो विलादत के मादा तौलीद में जो रसूम है उसको करीब नहीं आने देती। अच्छा, वो गोली खाती रही, बीवी खाती रही तो रोकता रहा, जैसे वो गोली भूल गई, अल्लाह की रहमत से सारे इकट्ठे हो गया। तो बल्कि बाद में तो मैंने जो सुना वो ये है कि जिन लोगों को औरतों को बच्चा नहीं होता या जिनके वो अय्याम जो है वो तरतीब में नहीं होते, उन्हीं गोलियों से उनको सेट किया जाता कि वही गोलियां खिलाओ ताकि वो तरतीब में भी आ जाए, और फिर ये है कि वो जुर्सुमा जो है ऐन इंतजार में खड़ा होगा, जिस दिन गोली रुकी और जुर्सुमा साहब पहुंच गए अपने मकाम पर, वो तो दिमाग टूट गई थी, वो तो सर्कल जो बना होता है दवाई का वो टूटा होता है, तरतीब ले आया अंदर, अल्लाह ने बच्चा पैदा कर दिया। तो वो क्या हो सकता है? कौन दुनिया की ताकत रोक सकती? तो बहरहाल जनाब ये है कि वो बच्चा पैदा होना था, हो गया। अब जब हो गया तो अब देखें, एक औरत है, माँ है, मामता है, आप खुद अंदाजा करें ना कि जिन माओं के बच्चे सामने तहतेज कर दिए जाए, जिबे कर दिए जाए, उनमें क्या गुजरती होगी? तो गौर करें खुदा के लिए, फिर भी इस्लाम पे एतराज है। देखें कि वहां जो है एक बीबी है, उसकी इज्जत वाजमत के लिए अल्लाह ने अपने पैगम्बर को झूले में बुलवा दिया है, और यहाँ एक मामता है, एक उम्र रफ्ता औरत है, बच्चा पैदा हो गया है और वही खौफ है, अभी फिरौन के लोग आएंगे, अभी मेरे बच्चे को मेरे सामने पकड़ के जिबे का, अल्लाह फरमाते कि हमने भाई भेजी, वाह भाई रहा ही रहा हमने, यानी औरत का मकाम दे, यानी वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है भाई तो नबी के लिए होती, इसलिए उलमा को कहना पड़ा कि भाई भाई लुगु के माने में है, माने इल्हाम है, माने इल्का है, वरना अल्लाह पाक भाई तो पैगंबरों के लिए भेजते हैं। वाहना इला उम्मी मूसा कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ और उसके बाद खिमती ही रही, जब तुम्हें खौफ हो के वो जालिम आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, कत्ल कर देंगे, बस इसको किसी चीज में बंद करके दरिया में डाल दो, पालकी ही फिलियम। अजीब बात। और अल्लाह ने फरमाया वला तखाफी वला तहज़नी, तुम अपना भी डर ना करना, तुम्हारी भी हम हिफाजत करें। अगर औरत की इज्जत व इज्जत व अजमत ना हो तो उसकी हिफाजत का अल्लाह भी मौका है, यानी कुरान ने जहां जहां हिफाजत की बात की है या तो कुरान के लिए कहा है कि हम आप हम हिफाजत करें, या अपने नबी के लिए फरमाए कि वल्लाह हो या सिमो का मिनन्नास मोहम्मद बदनी, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, फिक्र न। और बीबी मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा को भी वही खुशखबरी थी कि ला तखाफी वला तहज़नी, मत डरो और गम भी न करो मूसा अलैहिस्सलाम का। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे, अल्लाह ने फरमाया अम्मे मूसा हम तुझे ऐसी राहत पहुंचाएंगे, इन्ना वाब तू हुई रहेगी, हम इस बच्चे को तेरे तरफ फिर वापस ले, ये भी हमारा वादा है। और सिर्फ ये नहीं कि बच्चा वापस लाएंगे, फरमाया वजाए रूह मिन अल मुरसलीन, और हम इसको नबी बनाएंगे, रसूल बनाएंगे। अब जनाब आप अंदाजा करें कि एक औरत को कितनी तसल्ली दी जा रही है कि आप गम ना करो, इसको समंदर में डाल दो,
अपना डर भी ना करो, इसका गम भी ना करो। हम ममता को ज्यादा नहीं तड़ पाएंगे, हम उसके बच्चे को वापस लाएंगे। आज आप भी ममता पे रहम करते हैं, आज आप भी बच्चों पे बच्चियों पे रहम करते हैं। आपके कानून में तो यह है कि जब 18 साल के हो जाए जहां मर्जी आ जाए, जहां मर्जी आ जाए वापस करने का सवाल पैदा नहीं हो। आपने तो ऐसा कानून बनाया है कि अगर लड़की कहे कि मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, मां रोती रहे, बाप रोता रहे, खड़ी रहे, कोर्ट मजबूर रहेगा लड़की के कहने के मुताबिक उसको भेज दे, ये आजादी है। यानी एक तरफ लड़की को आप राजी कर रहे हैं और जिसने पैदा किया है उसको आप क्या कर रहे हैं? जो तखलीक के मराहिल से गुजरी है, जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, खुदा के लिए आप अंदाजा करें ना, जो आप एक ईंट ले लें आप जनाब, एक किलो दो किलो की, उसको पेट पे बांध रहा 2-4 दिन तो डॉक्टर के लिए आए अस्पताल में, ऊपर कपड़े पहने ना, पता किसी को नहीं लगेगा। अंदाजा होगा आपको कि औरत किस मुशक्कत से गुजरती है, किस मकाम से गुजरती है कि एक बच्चे को 9 महीने। यानी आप यकीन करें कल काबतुल्लाह में जाके खड़े हो जाएं, जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं चांद से बच्चे होते हैं, लेकिन बाप 2 चक्कर में उठाने के बाद फिर माँ को दे देगा, तुम उठाओ मेरा काम करना, मैं बारे को सफा मरवा दौड़ेगा, 1 चक्कर बड़ी मुश्किल से उठा देगा। ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूं, आगे जवाब देंगे, कहा नहीं नहीं रो रहा है, तुम संभाल, रो रहा है तुम्हारे बगैर चुप नहीं। ये माँ है वो कहेगी ठीक है कुछ हो जाए मैं इसको उठा के दौड़ूंगी, माँ है वो कहेगी मैं इसको उठाऊंगी, मेरा बच्चा तवाफ कर ले, मेरा बच्चे का मुंह लग जाए हजर असद को किसी तरह, वो किसी तरह रुकने यमानी को लग जाए, वो किसी तरह मुल्तजम पे चल जाए मेरे बच्चे को। ये जो मकाम अल्लाह ने ममता को दिया है ये है किसी के पास? तुमने तो उससे हर मकाम छीन लिया और कहते हो आजादी दे रहे हैं। अब जनाब देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की शान है कि बीबी साहबा ने बड़ी तफसील का वाकया है, बीबी साहबा ने संदूक ली, बंद किया और साथ जो दरिया था दरिया में डाल दिया, कि मिस्र का वाकया, फिरौन ने मिस्र था और दरिया यही दजला। इन दरियाओं की भी तो बड़ी तारीख है ना, दरिया है दजला और फरात पे आप पढ़े तो आप हैरान रह जाए। अब जनाब जब दरिया में डाल दिया वो संदूक, चलते 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 खुदा की शान है फिरौन के घर पहुंच गए। अब जनाब संदूक आई तो बीबियों ने देखा वो सब चलते चलते स्विमिंग पूल में पहुंच गई, उनके घर में जो था हाउस बना हुआ उसमें लड़का हैरान हो गई, संदूक है भागे खोला देखा, बीबी जो फिरौन की बीवी थी रियाज से जब देखा तो उनका खुरस भाई नहीं है तो आंखों की चंड ऐसा खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने हमारे घर में भेजी। फिरौन आ गया, उसने कहा क्या बात? उसने कहा बच्चा है? उसने कहा नहीं नहीं ये बच्चा पता है वही हो जिससे मैं डर रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा तो अकल की बात, अकल करो, अरे हमारे पास क्या दलील है कि ये बनू इसराइल का बच्चा है? उसने कहा नहीं ये पता तो नहीं, लेकिन आया तो उधर से ही है ना, उधर से जो पानी आया ना दरिया में उसमें संदूक आई है ना, आया उसी इलाके से। उसने कहा भाई उसी इलाके से आ जाना अलग बात है, और दूसरी बात ये है कि देखो एक छोटा सा बच्चा दूध पीने वाला, ये जब हमारे घर में रहेगा हम बेटा बना लेंगे, हम तरबियत करेंगे इसको, बड़े होने के पर पता भी लगेगा कि मैं इसराइली हूँ, ये तो समझेगा मैं आलि फिरौन से हूँ, फिरौन की औलाद हूँ, ये तो हमारा बेटा होगा ना, ये तो हमारा बन के रहेगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि इसराइल कौन है, बनू इसराइल कौन है, इसराइल तो कहेगा भी मैं तो आलि फिरौन में हूँ। तो हमारी तरबियत, हमारी जो हम इसकी इतने अरसे के लिए रखेंगे, अपने घर में पालेंगे, अपने घर में इसके जवान करेंगे, इसको कतल न करो असा। अब देखें कुरान फिर पहले भी वही था ना, वहाइना इला उम्मे मूसा, अब कुरान अस्बा फुआदु उम्मे मूसा फारिगन इन कादत लतुब्दी बिही लौला लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। अब बीबी का दिल जो है उदास है, हाय मेरा बच्चा कहां, और अल्लाह ने फरमाया कादत लतुब्दी बिही, वो इतने उदास थी भी हजरत मूसा के लिए करीब था कि वो जाहिर कर देती कि हाय मेरा बच्चा, वो तो मेरा बच्चा था, बात खुल जाती ना काम करते हुए। लेकिन अल्लाह फरमाते लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, हमने उसके दिल को थाम लिया। ये मकाम भी उम्मे मूसा को मिला, एक होता है ना दिल में सबर डाल दिया, एक होता है कि हमने दिल के अंदर एक बात डाल दी, हमने दिल में एक हौसला डाल दिया, हमने दिल में फहम नहीं रबत ना अदा कर दिया, हमने उसके दिल को थाम लिया। जैसे अल्लाह की शान को देवा है, क्योंकि बिल्कुल खामोश रहे और ईमान रहे। और उसके बाद जब बीबी ने सब्र किया, वकालत उक्त ही उससे ही कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि जाओ जरा तलाश तो करो, पता तो करो भाई का क्या हुआ। अच्छा खुदा की शान है, कालत लेबनत ही नहीं कहा अपनी बेटी, ये नहीं कुरान ये नहीं कहता कि कालत लेबनत ही, अपनी बेटी से कहा, कहते ले उक्त ही मूसा की बहन से, ये तेरा भाई है, बहन के दिल में और प्यार उम देना, जब प्यार उम देगा तो बहन और भागेगी, तो तुम भाई के लिए मना कह सकती थी अपनी बेटी से कहा,
क्योंकि मूसा अलैहि सलाम की जो बहन है तो उसकी क्या हुई बेटी, लेकिन कहती है कालत में उगती ही कुश्ती है, कुश्ती ही का माना होता है उनके नक्शे कदम पे चलना, कि जैसे जैसे दरिया जा रहा है वही रास्ता लेके जाओ तो सही, आखिर संदूक है बच्चा है, अगर तो कहीं चला गया अल्लाह की मर्जी, और अगर किसी ने पकड़ा है तो शोर होगा, दरिया बचा आ गया बचा आ गया, और ये भी हो सकता है कि पकड़ा जाए और दुश्मन कत्ल कर दे। तो अब जनाब बीबी ढूंढते 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 चलती चलती पता लगा कि वो जनाब जिससे हम डर रहे थे ना वो तो उसी घर में है, वो जो कातिल है ना बनू इसराइल का वो हमारा भाई मूसा अलैहि सलाम तो खुद फिरौन के घर में पहुंचे हुए हैं। बीबी अब डरते डरते अंदर गई। अच्छा अब खुदा की शान है जब से बच्चा निकला बच्चा दूध न दिए, उस दाई को बुलाओ उस दाई को बुलाओ उस औरत को बुलाओ उस औरत को बुलाओ उस औरत को बुलाओ, वो जो बच्चे सीने से लगाए वो जनाब पीते ही अल्लाह फरमाते हैं हर्रमना अलैहिम मरादिया मिन क़ब्ल, हमने मूसा अलैहि सलाम पे और किसी औरत का दूध पीना हराम कर दिया, क्यों कि तेरी अम्मा को तकलीफ ना हो, एक औरत की हिफाजत की जा, एक औरत के दिल को सुकून देने के लिए एक मासूम बच्चा है दूध पीने वाला बच्चा है, लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं और किसी औरत का दूध भी पीना, तेरी अम्मा जो परेशान बैठी। अब जनाब गई देखा बच्चा रो रहा है, पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा बच्चा दूध नहीं पीता, उन्होंने कहा हल अदुल्लुकुम, मैं तुम्हें एक घराना बताती हूँ कि बड़ा साले बड़ी साले औरत है और बड़े खैर खां हैं, कहते हैं कि जब बीबी ने कहा ना कि वह हम लहू रासिहून कि वो खैर खां हैं तो फिरौन उसी वक्त समझ गया, कहने लगा अच्छा तुम्हें कैसे पता है कि वो खैर खां है वो घराना है इस लड़के का, उन्होंने कहा हाँ मालूम होता है ये कोई है राज, तो फौरन बीबी ने अल्लाह ने अकल दिया, फौरन बीबी ने कहा कि नहीं नहीं मेरा मकसद था बादशाह के खैर खां, तो हम लहू नाते हूँ यानी तुम्हारे घराने का खैर खां है, यानी वो हमारा वो जो घराना जो मैं बताना चाहती हूँ बच्चे का खैर खां नहीं तेरा खैर खां है। अच्छा उसने कहा ठीक है, उसने कहा कि जाओ जल्दी करो बुलाओ। अब जनाब देखें एक औरत की शान, जब वापस आए बीबी आई घर में उनका अम्मा जान भाई मिल गया, मिल गया कहाँ है, उन्होंने कहा तो फिर आओ बेटे में, उसने कहा जिसने कत्ल का ऑर्डर दिया हुआ है बेटा भी फिर उसी के घर में, उसने कहा उसी घर में है और मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मूसा अलैहि सलाम रो रहा है दूध नहीं पीता मेरा भाई, मैं तुम्हें लेने आई हूँ चलो दूध पिलाओ। बीबी ने कहा कि देखो बेटी अगर अल्लाह के बाकी सारे वादे सच्चे हैं तो फिर ये वादा भी सच्चा है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं मूसा को तेरे तरफ लाऊंगा, ये तो नहीं कहा कि मैं जाऊंगी, इन नाराज दू हो ही रहा कि मैं नहीं जा सकती, अब बेटे का काम है मां के पास चल के आए, ये तो नहीं कि क्रिसमस कार्ड भेज दे, ये इस्लाम खुदा के लिए इस्लाम को समझो, इस्लाम तो किसी का दुश्मन नहीं। अब जनाब ये है कि अपना जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, अच्छा अल्लाह की शान है ना इसी में अल्लाह ने पर्दा भी रख दिया ना कि अगर हकीकी माँ होती तो दौड़ के ना आ जाती, भागती हुई ना जितने ने रोक दिया नहीं बैठी रहो इन्ना रात दू हुई हम तुम्हारी तरफ लाएंगे ताकि फिरौन को शक ही ना हो, ना तो जा ही नहीं रही। उन्होंने कहा बीबी हो तो नहीं आती, उन्होंने कहा चलो बच्चे को ही ले जाती, बीबी आसिया ने बग्घियां तैयार की, अब शाही सवारी के साथ मूसा आ रहा जिसके कत्ल होने की तैयारियां हो रही हैं, आज जनाब बचपन में शहजादा बना हुआ है और जनाब सारे प्रोटोकॉल के साथ ओ बड़े एहतमाम के साथ आते हैं, और जब बीबी ने सीने से लगाया फट मूसा ने दूध कबूल कर लिया, कैसे कबूल लग रहे हो ताकि जी मां, उनने कहा बीबी तुम्हारा दूध इसने कबूल कर लिया है, अब ऐसा करें मेहरबानी करो हमारे महल में रहो वहां हम पूरा एक सूट आपके लिए अलग फेक बना देंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो अपने घर में रहूंगी, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा करेंगे यहां मूसा अलैहिस्सलाम को पालें और जितना उजरत कहो हम देंगे, तो उन्होंने कहा जो मर्जी है आप दे रहे हैं बादशाह, उन्होंने फिर अपने शान पे देनी है ना, तो इसी पे उलमा ने लिखा है कि ये होती है शान कि अल्लाह ने कहा मूसा की अम्मा दूध भी अपने बेटे को पिला और तनख्वाह भी ले, वलवाले साहब युर्ज़ेना औलादहुन, ना माएं तो अपने बाप बेटों को दूध पिलाती ही है ना, वहां नहीं पिलाएगी तो कौन पिलाएगा, और मैं दूध भी अपने बेटे को पिला और तनख्वाह भी ले, और तनख्वाह भी तुम्हें फिरौन के घर से दिलवाऊंगा, किसी और दीगर डिपार्टमेंट से नहीं, वही तरह जो असल दुश्मन है वो बाकायदा महीने की एकम तारीख को तनख्वाह लेके आ दे, तनख्वाह भी ले और अपने बच्चे की हिफाजत भी कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत की इज्जत और अजमत के लिए कितना बड़ा फैसला किया है, अल्लाह बस शर्त यह है कि खुदा हमें हक और बातों के समझने की तौफीक दे। वआखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहा अलैना इल्लल बला अलहम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया सय्यदिना मुहम्मदिन मुस्तफा वअला आलिहिल मुज्तबा। बिरादरान इस्लाम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों भाइयों अजीज नौजवानों, सिलसिला दुरूस
اسلام اور عورت کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں کہ جن خواتین کا، جن عورتوں کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، یعنی جیسے آپ عورت کا مقام اسلام میں، اسی طرح عورت کا ذکر قرآن. اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آج اگر دنیا کا کوئی اچھا رائٹر، اچھا لکھنے والا ایک کتاب لکھے اور اس میں آپ کا ذکر کریں تو آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے جو کتاب لکھی ہے اس نے میرا ذکر کیا. اب وہ رائٹر جتنا بڑا ہوگا، یعنی اس کا مقام ہوگا، اسی طرح اس کے ذکر سے آپ کی عزت دوبالا ہوگا. اور اسی طرح اگر کسی ملک کا منسٹر یا کسی ملک کا گورنر آپ کے علاقے میں آئے یا کسی فنکشن میں آئے یا تقریب میں آئے اور وہ آپ کا ذکر کرے کسی اچھے الفاظوں میں، تو پھر آپ کو کتنی عزت محسوس ہوتی ہے. اور آپ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آج گورنر صاحب یاد کریں. اور اسی طرح تھوڑا سا اور اس کو آگے لے جائیں کہ اگر بادشاہ کہیں اپنی محفل میں آپ کا ذکر کر دے. اسی لیے قرآن مقدس میں ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کر. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کمال کرتے ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ کلمۃ اللہ ہیں، آپ بھی رسول اللہ ہیں، آپ کو میری دعا کی کیا دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک بہت بڑا فرق. انہوں نے کہا جی وہ کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ نے مجھے ولادت کے بعد، سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے ولادت کے بعد مجھے اللہ نے اس جھولے میں بولنے کی توفیق دی اور مجھے معجزہ عطا فرمایا کہ میں دودھ پیتا بچہ اور جناب جھولے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفکر اور بڑے سے بڑا مدبر اور بڑے سے بڑا سکالر بھی وہ بات نہ کہہ سکے، تو اس وقت جہاں میں نے اور باتیں کی میں نے کہا تھا بس سلام و علیہ، اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلام، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی جب مجھے موت آئے. یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی ہمیشہ میرے ہم رکاب ہو، ولادت میں بھی، موت میں بھی، اور پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ کی سلامتی میرے ساتھ ہوگی. تو یہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ اللہ کی سلامتی مجھ پر اور تیرے بارے میں ہے، وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حیات پہ سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے اور جس دن تمہیں موت آئے اور جس دن تم کھڑے کیے جاؤ. اس سلامتی کا ذکر میں نے کیا ہے، اس سلامتی کا ذکر خدا نے کیا. تو آسمان زمین کا فرق، ایک تو میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے اور ایک اللہ کہے کہ میری طرف سے تجھ پہ سلامتی ہے، تو دونوں میں تو آسمان زمین کا فرق. اس کو تھوڑا سا اور آپ اگر انشاءاللہ سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان، ہمارا ایمان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عظمت ہے، رسول اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور حی یرزق فی السماء، آسمانوں میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بٹھایا، اور انو یتن اتریں گے، اور اتریں گے بھی کہاں؟ علی منارت شرقی یا بیضاء دمشق، دمشق میں اتریں گے. یہ سارے انتظامات پتہ نہیں اللہ میاں ان کے لیے کرا رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، باقی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ایک دوسرے سے ملولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے سے انتظام کرتے ہیں. ناس ہے، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد پھر تو کوئی دنیا میں عیسائی نہیں بچے گا نا جو ان پہ ایمان نہ لے آئے. میں من اہل الکتاب الا لیؤمن النبی قبل موتہ، تو آج وہی عیسائی ان کے لیے پلیٹ فارم ٹھیک کر رہے ہوں گے جب اتریں تو میدان صاف ہو. یہ اللہ کا کوئی نظام ہے، کچھ ہو تو رہا ہے نا، اللہ کے فیصلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو. تو بہرحال ہمیں کسی اور موضوع کی طرف ہٹ جائیں گے. تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا شان ہے، لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے جو شان دیا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کرتا، کیونکہ سرکار دو عالم تو امام الانبیاء، افضل الانبیاء والمرسلین، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ امتیاز ہوگا کہ وہ حضور کے روضہ مبارک میں جا کے دفن ہوں گے.
इसलिए उलमा ने फरमाया वहां पढ़े लिखे हो गए, अल्लाह का शुक्र है। गौर करें कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा था कि काला इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जब आप झूले में थे तो आपने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और हुजूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया अन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद मेरा बंदा। तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक तो पैगंबर कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, एक अल्लाह कहता है ये है मेरा बंदा। यानी जैसे आपसे कोई पूछे जी आप क्या काम करते हैं, आप कहेंगे मैं बादशाह का नौकर, बड़ा एजाज है। लेकिन एक के बारे में बादशाह कहेंगे जी ये तो मेरा आदमी है, मेरा बुला दे मैं जी खास। तो यह आसमान जमीन का फर्क होता है। तो इसलिए आप इसी में यानी समझने की कोशिश करें, अगर अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमा दे मेरी बेटियों को और मेरी बहनों को कि अल्लाह ने औरत को कितनी बड़ी अजमत बख्शी के कुरान में जिक्र कर दिया, वरना क्या जरूरत है औरत के जिक्र करने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अंबिया का जिक्र करते हैं, रसूलों का जिक्र करते हैं, हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, ईसा इब्राहिम का जिक्र करते हैं और अंबिया और रसूल का जिक्र होता है, या सबका कौमों का जिक्र किया गया तो बतौर इबरत। कभी सबका कौमों ने नाफरमानी की तो यह आवाज़ है, सबका कौमों ने कौम आद ने नाफरमानी की, कौम समूद ने नाफरमानी की, कौम शुआब ने नाफरमानी की, कौम लूत ने नाफरमानी की, तो उन पर अल्लाह के लिए अज़ाब है, मतलब जिक्र इसलिए किया जाता है। मतलब आप किसी से अगर इतना ही एक औरत के जहन में बैठ जाए कि इस्लाम ने हमें कितनी इज्जत बख्शी है कि हमारा जिक्र कुरान में है और क्या मन तक पढ़ा जाएगा। जब आप देखते हैं रमजान मुबारक में कौन सी बस्ती है मुसलमानों की जहां कुरान का खत्म ना, कौन सी मस्जिद है जहां तरावी नहीं होगी, कौन सा किता है अर्ज है जहां तिलावत कुरान नहीं होती है, और जब तिलावत होगी तो औरत का जिक्र भी आएगा। तो ये कोई मामूली एजाज नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं कि ऐसे किस्सा कुरान का पढ़ के आदमी चला जाए। बस किताब मरियम, बस वो जी बीबी मरियम का नाम था। बीबी मरियम का नाम लेने वाला कौन है, रब्बुल आलमीन अर्शे बरीन से वाकया बयान फरमा रहे। तो उसी जमन में